गुरुग्राम न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम का पहला और नंबर वन वेब न्यूज चैनल, जहां दिखाई जाती हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। गुरुग्राम में क्राइम दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। हिस्ट्री शीटर्स का यहां पर बोलबाला है, जो खुलेआम हथियार लेकर घूमते हैं और किसी पर भी हमला कर देते हैं। ताज़ा तस्वीर आई है गुरुग्राम के नाथूपुर इलाके से, जहां पर 200 गज जमीन को लेकर एक भाई के लड़के ने दूसरे भाई के लड़के पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये सीसीटीवी फुटेज उस बात की गवाह है, जहां पर 8-10 हथियारबंद बदमाश अपने चाचा की दुकान पर पहुंचे और दुकान पर पहुंचते ही अपने चाचा के लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करनी शुरू कर दी। ये झगड़ा केवल 200 गज जमीन के लिए है, जहां एक जमीन का टुकड़ा एक भाई के पास है और उस टुकड़े पर दूसरा भाई अवैध कब्जा करना चाहता है। इसीलिए एक भाई के लड़के ने अपने साथ गुंडे इकट्ठे किए और अपने चाचा के लड़के के ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। ये घटना दो दिन पहले रात तकरीबन 9:30 बजे की है, जब नाथूपुर इलाके में इस परचून दुकान पर व्यक्ति बैठा हुआ था और उसके चाचा के लड़के यहाँ पर आए, जो कि पहले भी कई आपराधिक केसों में 10-10 साल की सज़ा काट चुके हैं। हिस्ट्री शीटर्स में उनकी नाम है और ये 8-10 लड़के यहाँ पर आए, आते ही इन्होंने फायरिंग करनी शुरू कर दी। पुलिस को यहाँ से तकरीबन 1 दर्जन के आसपास गोलियों के खोल मिले हैं। इस पूरे हमले में जो दुकान में उस समय युवक मौजूद था, उसके पैरों में गोली लगी है। उसको बचाने के लिए जब उसके पिता बाहर आए, तो उसके पिता के ऊपर भी उसके भतीजों ने देखिए किस तरह से लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिनके सर में भी काफ़ी चोट लगी है। अब दोनों घायल पिता पुत्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर इनका इलाज चल रहा है। ये पहला झगड़ा नहीं है इस कहानी को लेकर, इस 200 गज जमीन के टुकड़े को लेकर, बल्कि 6 तारीख को भी इसी इलाके में दोनों पक्षों के अंदर मारपीट हुई थी, कहासुनी हुई थी और उसके बाद भी अब तकरीबन 15 दिन बाद दोबारा से जानलेवा हमला किया गया है। इस पूरे मामले में DLF फेज 3 थाने में 10 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है। जान से मारने की कोशिश, मारपीट करना, लाठी डंडे लेकर, हथियार लेकर मारपीट करना, इसके अलावा आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं कर पाई है। ये पूरी घटना इस दुकान में लगे CCTV कैमरों में कैद हुई है। अब आपको दुकान के अंदर की वो दहशतगर्दी की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह जो कुर्सी यहां पर रखी हुई थी, उसमें गोलियां आर पार हो गई। इसके अलावा यहां पर जो रेफ्रिजरेटर रखा हुआ था, उसके शीशे पूरी तरह से चकनाचूर है। उस समय जब इस दुकान के अंदर वो शख्स बैठा था, उसकी चप्पल यहां पर पड़ी है और पूरी दुकान में जो सामान है वो इधर उधर बिखरा हुआ पड़ा है। CCTV कैमरे में भी एक शख्स दिख रहा है कि सामान जो रखा हुआ था दुकान में, उस पर भी लाठी डंडे बरसाए गए और सामान को यहां से तोड़ा गया। पूरे तरीके से इस घटना को अंजाम केवल इसलिए दिया गया है कि उनके चाचा इस जमीन के टुकड़े को इनके नाम कर दे और इस पर ये अपना अवैध कब्जा कर ले। सर, ये 9:30 बजे के करीब बाती में है, पर थानी में घूमने के लिए गया था। मेरे फादर, मेरे मदर और मेरे भाई, मेरे सिस्टर यहीं पर थे। 9:30 बजे के करीब मेरे पापा अंदर खाना खाने गए थे। उधर से जब ये 11 बदमाश आते हैं, जैसे कि मेरे परिवार के लोग हैं, रवि है, राकेश है, सुनील कलवा है, लाला, संदीप, सचिन और भाई जीतू, गोलू, ये सारे लोग हैं सर। इन्होंने आके मेरे ऊपर, भाई के ऊपर यहाँ पर फायर किए। मेरे भैया के दोनों पैरों में गोली लगी है, मेरे पापा के सिर में 13 टाके आए हैं जी, डंडा राड से मारा है और मेरे पापा की उंगलियाँ भी कट चुकी है, उंगलियाँ आधी कट चुकी है जी, दूसरी उंगली में फ्रैक्चर है, मेरे फादर के हाथ में फ्रैक्चर है, डंडा से मारा है जी। सब कुछ CCTV फुटेज है हमारे पास। क्या विवाद चला रहा है सर? हमारा जमीनी विवाद चला रहा है, हाई कोर्ट में हमारी अपील है। हम गुड़गांव को जीत भी गए थे, हमारा ये गुड़गांव हाई कोर्ट में अभी केस चल रहा है सर। कितनी जमीन है सर? ये 200 गज के करीब जमीन है। अभी 6 तारीख को, 6 जुलाई को हमारे इन्होंने हमारे साथ फिर वारदात की थी। मेरा बिरोधर घर के बाहर खड़ा था, पहले भी न्यूज़ छपी थी आपकी इसी न्यूज़ में, मेरा भाई बैठा था, उसके थप्पड़ वप्पड़ मारा था, सुपारी गाड़ी आई थी, उसका सब कुछ मैंने दे रखा है। मुकदमा भी दर्ज है, FIR नंबर 165 है, जो कल रात को दुर्घटना हुई है, इसके भी हमारे पास FIR दर्ज हो चुकी है पुलिस वालों। कोई कार्रवाई नहीं हुई जी अभी तक। मैंने खुद राकेश को अरेस्ट कराया था, पकड़ के रविंदर जी चौकी इंचार्ज साहब, उन्होंने उनको क्या क्या हुआ क्या नहीं हुआ, शाम के टाइम छोड़ दिया उनको वापस। खुद मैंने उनको घर के से अरेस्ट कराया था, मैंने सर ये रहा इसको पकड़ो, यहाँ से पकड़ के लेके भी गए थे 2 पुलिस वाले उनको। कल फिर वारदात हुई जी। सर 5 लोगों के हाथ में 15 फायर हुए थे, मेरा देखो सारा नुकसान कर दिया इन्होंने। मेरे सर वे कहना चाह रहे हैं कि हमारी जो ये ज़मीन है, इसको हमारे हक में गवाही दे दो, यानी तुमको तुम्हारे पूरे कुनबा को, पूरे घर को ख़त्म कर देंगे, हमारी ये सोच है।
सर मेरे दो बच्चे हैं छोटे छोटे, मैं वीडियो दिखाऊंगा आपको, उसमें छोटे बच्चे दोनों बच्चे हैं मेरे कल। रवि हिस्ट्री शीटर है सर ये, जब ये डासना जेल से आया है, ये पहले भी चोरी चकारी के केस में बंद है, कल भी सारा इसने गैंग लेकर आया जी पूरी है, ये पूरे घर के थे ये जितने भी मैंने आपको बताए हैं। हाँ जी हमारे चाचा ताऊ के लड़के हैं ये। नहीं हम अंदर थे, लड़का दुकान पे था, हम अंदर है दोनों, इसके पापा भी मैं भी हम अंदर साइड पे, उसके लड़का गोली मार दी मेरे के पैर में, मैं उसके पापा छुटाने चले तो उसने मेरे ऊपर भी गोली चलाई है, मेरे आदमी के ऊपर भी चलाई है, और सरिया डंडा सारे से मारे हैं जी, चक्कू कुछ सारे थे उनको। मैंने हाथ जोड़े थे कि अब तो छोड़ दो, अब तो मर गए सब ये, मेरे लड़का ने गेट बंद कर लिया, मेरे दो पोते हैं जी, एक 7 साल का एक 5 साल का, मेरे दो यहीं खड़े थे। उनको इरादा जी 3 महीना से उन्होंने हमें कह दी थी कि हम पूरे कुंडबा को ख़त्म करके पैसा लगाएंगे छुट्टी का, हम तुम्हें मारना चाहते हैं, हम जमीन हड़पना चाहेंगे, हाई कोर्ट में हमारा केस है जी। पुलिस से कोई सहायता नहीं? कुछ नहीं मिली जी, 6 तारीख को हमने वे करी थी, एक दिन पुलिस कोई नहीं आई जी, एक दिन भी पुलिस मारे नहीं है, मैंने कल भी यही बोली पुलिस वाले से, और उसने मैं 3 घंटा का नहीं रखी, 100 नंबर पर हमने कॉल करी थी जिस बहुती है, वे नहीं आए, फिर मैं पैदल पैदल चौकी में गई, चौकी से फिर मैं खुद बुला के लाई उनको, जब मेरे दोहरे 3 पुलिस आए थे उसके बाद फिर आए, और मेरे जो जिस जमीन पर केस चल रहा मैंने अपना आदमी यहाँ पीट रहा था, मैंने खींच के कमरे में 6 नंबर में डाला, उसमें बहुत खून पड़ा, घर भी खून है जी, दिखा देंगे जी आपको। नहीं किसी ने नहीं करे जी, पूरा राकेश, रवि, लाला, संदीप, जीतू, गोलू, सुलीन और यू सुलीन का लड़के हैं, एक सचिन और 2 सुलीन के लड़के हैं जी, उनका मैं नाम नहीं जानती, रितेश, एक रितेश और एक के लड़के का नाम नहीं, फर्म हमारे नाम की दर्ज, हमारी कोई कार्रवाई नहीं, पुलिस ने नहीं करी थी, और मैं अपने पूरा जिसके जमीन पर केस चल रहा है, मैंने अपना आदमी जिस उन्होंने मेरे ऊपर चलाई है गोली, उन्होंने भी चलाई, डंडा भी चलाया, मेरे पीछे हाथ तक भगे हैं जी, वे मैं वीडियो दिखा दूंगी, मैंने फिर करे थे हाथ तक मेरे पीछे भगे हैं जी दोबारा, मेरा यार पोता कहाँ ले गया, कंडूर को मेरा पोता यहाँ ही खड़ा जी वीडियो में भी, मैं इसको धक्का देकर मैंने भीतर बनाए दोनों ये, फिर मैंने कही मगर मेरे गोली मार दे, फिर मैंने उनके हाथ जोड़े अब तो छोड़ दे, अब तीन मार के जाएगा क्या, फिर वे भाग गए जी ऐसे सारे सारे, पूरा परिवार है जी उनका, पूरा घर का सबकी शादी से हमारी गैल हुई आई, 6 तारीख को हुआ था, एक हफ्ता पहले हमारे कमरे में बड़ा था, रात के 1 बजे हम गए थे, जब भी हमें नहीं मिले, उन्हें 3 वाक्य करे जी हमारे साथ, 22 साल पहले मेरी इसी ज़मीन पर केस था, मेरे यहाँ बंदूक खुद ने लड़ाई थी उसने, 22 साल के बाद मुझे आज फिर हमला करा उस पर रात। जब इस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आती है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल या निशान खड़े हो जाते हैं कि हम आखिर ऐसे कैसे शहर में रह रहे हैं जहां कोई भी इतने भारी मात्रा में हथियार लेकर आते हैं और आकर ताबड़तोड़ फायरिंग करके बड़ी ही आसानी से फरार हो जाते हैं, और पुलिस कई कई घंटों के बाद, कई कई दिनों के बाद अपराधियों की पहुंच से काफ़ी दूर रहती है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर दीजिएगा, साथ ही साथ आप इस खबर को शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुँच पाए। नमस्कार। गुरुग्राम न्यूज़ हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है, हमसे जुड़ने के लिए और अपने शहर की हर अपडेट्स पाने के लिए हमें अभी फॉलो करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आपके इलाके की कोई खबर कवर कराना चाहते हैं तो हमें इन नंबरों पर अभी कॉल करें।